हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट गुपचुप होता है वो उसको कैसे बनाते हैं, उसकी क्या मेकिंग होती है। इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताया जाएगा। आप इस वीडियो को कृपया करके पूरी देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि गुपचुप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है, उसकी क्या मेकिंग होती है। तो हमारे साथ देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट गुपचुप है उसके ऊपर रेगमार लगा के, जो उसका मुंह होता है बड़ा वाला, उसके ऊपर रेगमार लगा के उसके ऊपर फेविकॉल लगा दिया जाता है। और उसके बाद एक 16 mm की पतली सी खाल होती है, वो चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं खाल चढ़ाई जा रही है। इसको सबसे पहले पानी में गीला कर लिया जाता है अच्छे से, क्योंकि सूखी खाल बहुत ज़्यादा कड़क होती है, इसलिए इसको पानी में गीला करके एकदम सॉफ्ट कर लिया जाता है। और फिर इसको एकदम रस्सी की मदद से बांध दिया जाता है, ताकि जब हम वो कोके लगाएं या फिर जो स्क्रू होता है वो लगाएं तो ज़्यादा परेशानी ना हो, खाल इधर उधर ना भागे। इसको लगाने स्क्रू लगाने से पहले, कोका लगाने से पहले इसको अच्छे से खाल को खींच लें ताकि वो टाइट हो जाए, ताकि बाद में की जो खाल हो गुपचुप की वो ढीली ना रह जाए। और फेविकोल इसलिए लगाया जाता है ताकि उसकी मजबूती अच्छे से बनी रहे। इसके बाद हम कोके भी लगाएंगे। पहले खाल को अच्छे से खींचने के बाद इसमें एक छेद, जहाँ पर हमने कोके लगाने वहाँ पर छेद कर लेना होता है सुज्जे की मदद से। आप देख सकते हैं हमने एक छेद किया है, फिर ऐसे गोल्डन कलर का जो होता है कोका, उसको अच्छे से हथौड़ी की मदद से ठोक दिया जाता है। आप इस प्रोसेस को देखिए। दोस्तों, जब आप एक कोके लगाते हैं तो आप इस डिस्टेंस को थोड़ा ध्यान में रख के ठोकिए, ताकि जब भी कोके ठोक रहे हों और ये डिस्टेंस देखने में अच्छा लगता है। और इस खाल को सूखने के बाद अच्छे से काट लिया जाएगा और इसमें तार डाल के बजाने लायक हो जाएगा। धन्यवाद।